रहीम, इट्स मैथ 327 फंक्शन एनालिसिस आज हम लेक्चर नंबर फोर पर बात करेंगे आई एम डॉक्टर दलित नज़ीर हमने इसमें आज कंप्लीटनेस के प्रूफ से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे प्रीवियस लेसन में हमने कन्वर्जेंस को देखा कि हम वी आर सेइंग अबाउट के कौन कौन सी जो स्पेसिस हैं वो आपके पास कम्प्लीट होती हैं कन्वर्जेंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कन्वर्जेंस विल टेल अस के दैट हाउ द दीक्वेंस इज कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस टू पॉइंट यानी कि मेट्रिक स्पेस में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एक सीक्वेंस एक्स एन किसी पॉइंट एक्स को तब कन्वर्ज करता है कि इफ़ फॉर एवरी एप्सलॉन पॉजिटिव देर एग्जिस्ट इन नेचुरल नंबर एन सच देट डी ऑफ एक्स एन एक्स इज लेस दैन एप्सलॉन

लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि आपके पास आर के आर स्पेस इज अ कंप्लीट स्पेस क्योंकि कंप्लीट स्पेस वो स्पेस होती है जिसके अंदर आपके पास हर काशी सीक्वेंस उसी सी स्पेस के अंदर कन्वर्ज करे तो आर हमारे पास एक कंप्लीट स्पेस होती है क्योंकि आर के अंदर ये खूबी है कि हर काशी सीक्वेंस जो है वो उसी के अंदर ही कन्वर्ज करता है इस तरह स्पेस ऑफ कंप्लेक्स नंबर इज आल्सो ए कंप्लीट स्पेस आज के जो हम टॉपिक है उसमें अगर हम आउटलाइन को मुलायजा कर लें तो हम पहले कंप्लीटनेस पे बात करेंगे फिर हम कंप्लीट मीट्रिक स्पेस को स्टडी करेंगे और फिर देन शल सी अबाउट सम एग्जांपल्स के हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट अ स्पेस दैट इज अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस और फिर हम देखेंगे कि किस तरह की जो मीट्रिक स्पेस होती हैं वो हमारे पास इनकम्प्लीट होती हैं फिर हम इसके ऊपर कुछ सजेस्टेड प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम देखेंगे और उनको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हम आज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं ने से कंप्लीटनेस हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं कि कोई भी स्पेस तब कम्प्लीट होती है कि उसके अंदर कोई भी कौशी सीक्वेंस एग्जिस्ट करे तो वो उसी स्पेस के अंदर कन्वर्ज करे अब वेरियस एप्लीकेशंस हमारे पास है किसी सेट के बारे में कंप्लीटनेस की अपनी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है और बहुत सारी रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च पब्लिकेशन हैं जो इस कंप्लीटनेस के हवाले से हैं इस वजह से आज का लेसन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है हम कहते हैं कि इन वेरियस एप्लीकेशन ए सेट इज एक्स इज गिवन हमारे पास कोई सेट गिवन होता है हम उसके अंदर कुछ सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं और आप उस सेट के ऊपर हम कोई जब मिट्रिक डिफाइन करें तो हम एक ऐसी मीट्रिक उस पर चूज करते हैं कि जो कंडीशन मल्टीपल सेटिस्फाई करे और फिर देखते हैं क्या उस मीट्रिक के तहत हम जो भी कौशी सीक्वेंस लें क्या वो उसी के अंदर कन्वर्ज करता है सीक्वेंस अगर उसी स्पेस के अंदर कन्वर्ज करे तो हम कहते हैं कि वो स्पेस जो है वो हमारे पास कंप्लीट स्पेस है अब इसके लिए हम जब प्रॉपर्टी देखते हैं कि कोई भी स्पेस एक्सडी कब कंप्लीट है तो हम क्या करते हैं कोई भी ऑर्बिटेरी सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी स्पेस से एक्स के अंदर एक्स स्पेस जब मैं कहूं तो इसका मतलब है, it's a space, क्योंकि आपके पास एक्स कोई set है, डी हमने इसके पर एक define की है, तो डी D, D आपके पास चूंकि एक मैपिंग uh, होती है जो एक्स क्रॉस एक्स से सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर पे मैप होती है अब हम कहते हैं यहां पर कि क्या कोई आर्बिटरी क्वेश्चन सीक्वेंस लेने से क्या वो सीक्वेंस उसी स्पेस के अंदर ही कन्वर्ज करता है मिसाल के तौर तो पर आपके पास एक सेट है जीरो वन अब आप कोई कौशी सीक्वेंस लें क्या वो जीरो वन क्लोज सेट के अंदर ही वो सीक्वेंस कन्वर्ज करे तो अगर हर सीक्वेंस उसी के अंदर कन्वर्ज करे तो हम कहते हैं वो स्पेस जो है वो कंप्लीट है क्योंकि आपके पास हर तरह का काशी सीक्वेंस जो है उसके अंदर ही कन्वर्ज करता है अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि ऑर्बिटरी काशी सीक्वेंस लेके उसकी कन्वर्जेंस को डिस्कस करते हैं और डिफरेंट स्पेसिस के लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की कम्प्लैक्सिटी है बट दे आर अप्रोक्सीमेटली द सेम जनरल पैटर्न हमारे पास पैटर्न हमेशा सेम यही होता है यानी कि हम देखेंगे कि कौन से स्टेप्स हम फॉलो करें तो हम अपनी स्पेस की कम्प्लीटनेस को चेक कर सकते हैं यानी कि कंस्ट्रक्ट एन एलिमेंट एक्स कोई एलिमेंट एक्स हम चूज़ करें लिमिट पॉइंट के लिए कि वो सीक्वेंस अगर हम कोई लेते हैं जो सीक्वेंस हम ऑर्ब्री चूज कर रहे हैं वो उस पॉइंट को कन्वर्ट करता है और वो आपका एलिमेंट होना चाहिए उसी सेट एक्स का द नेक्स्ट इज प्रूव दैट एक्स इज इन द स्पेस दैट वी कंसिडर्ड कि वो जो स्पेस है वो जो सेट एक्स है वो आपका हमने ये शो कर देना है कि वो एलिमेंट जो है वो इसी स्पेस को बिलोंग करता है और अब तीसरी बात यह है कि प्रूव द कन्वर्जेंस हमने कन्वर्जेंस शो करनी है कि वो जो आपने एक्स एंड सीक्वेंस लिया है जो कौशी सीक्वेंस है सीक्वेंस वो उसी पॉइंट को करता है इन देंस ऑफ द दीट्रिक उस मीटर के तहत जो आपने सेट के ऊपर डिफाइन की है हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एक सेट के ऊपर बहुत सारी मीट्रिक डिफाइन की जा सकती है मिसाल के तौर तो पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पर अगर हम देखें या सेट ऑफ रियल नंबर्स पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक मीटरिक है एक्स माइनस वाई होल एप्सोलूट एक तो और मीटरिक है x एप्सल्यूट माइनस y एप्सलूट इस तरह आप मल्टीपल टाइप जो है वो मीट्रिक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आर एन पर भी हमने कुछ एग्जांपल्स देखी हैं डिफरेंट मीट्रिक कंस्ट्रक्ट करने की और स्पेस ऑफ कम्पलेक्स नंबर्स पर भी हमने देख चुके हैं एग्जांपल्स तो आपके पास हम देखते हैं कि क्या वो कौशी सिक्वेंस उस पॉइंट को कन्वर्ट करता है जो स्पेस के अंदर मौजूद है अब हम कुछ एग्जाम्पल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल के वी शैल प्रेजेंट कंप्लीटनेस प्रूफ for some metric spaces which occur quite frequently in theoretical and practical investigations for instance our first example is about the rn completeness of rn and the completeness of cn the collection of all complex numbers okay? n tuples, some complex number yeah, space of real numbers layley okay? space of rn le. स्पेस जो एन डायमेंशनल स्पेस है हमारे पास या यूनिटरी स्पेस ये दोनों स्पेस हमारे पास कंप्लीट हैं अब कंप्लीटनेस के लिए हमारे पास जो स्ट्रेटडी हम अभी डिफाइन कर चुके हैं वो क्या है कि हर कॉशी सीक्वेंस हर कॉशी सीक्वेंस जो है वो इसी स्पेस के अंदर कन्वर्ज करता है फॉर इंस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर आर एन हम आर एन स्पेस लेते हैं एक्स और हम इसके ऊपर कोई मिट्रिक डिफाइन कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के वी है मिट्रिक एक्स वाई दाम जे इक्वल टू वन टू एन एक्साई आई माइनस इल स्केर का स्केयर रूट यानी कि आपके पास ये एक आर एन के अंदर यूक्लिडन मीट्रिक है इसके अंदर आपके पास हर एक्स जो है वो एग्जाई आई है एक्साई आई जो है वो एक एन टपल सिक्वेंस है इस तरह वाई जो है वो भी एन टपल जो है एक्साई आईज उसमें मौजूद है एक्साई वन एक्साई टू अब y जो है वो ईटा वन ईटा टू अपू ईटा एन ये हमारे पास कलेक्शन मौजूद है इसके अंदर के एलिमेंट्स हैं तो ये मीट्रिक हमारे पास डिफाइंड है नाउ लेट अस सी हमारे पास एक सीक्वेंस है एक्स एम आर एन के अंदर एक आर्बिट्ररी सीक्वेंस हम कंसिडर कर रहे हैं राइटिंग इन फॉर्म के एक्स एम जो है वो कुछ इस तरह का है एक्साई वन एम एक्साई टू एम टू एक्साई एन एम ये हमारे पास एन डबल इसके अंदर एलिमेंट्स हैं और एक्साई एक्स एम जो है वो एक सीक्वेंस है यानी कि एक्स वन एक्स टू जिसकी टर्म्स हैं सिंस एक्स एन इज अ कौशी सीक्वेंस ये हमारी गिवन एजर्शन है कि हम एक कौशी सीक्वेंस इसमें चूज कर रहे हैं तो ये कौशिक सीक्वेंस जो है वो कौशी सीक्वेंस की डेफिनेशन तो फुलफिल करता है इन दैट मीट्रिक कि मीट्रिक स्पेस के अंदर सीक्वेंस कब काशी होता है कि वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे कि फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देर एग्जिस्ट एन एन सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एम एक्स आर इज इक्वल टू द इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एम एंड आर आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन नेचुरल नंबर एन अब हम यहाँ पे चूंकि हमारा गिवन ले रहे हैं कि हमारा सीक्वेंस एक्स एम इज अ कौशी सीक्वेंस सो हिंस इट सेटिसफाइज दिस कंडीशन दैट फॉर एवरी एप्सलॉन पॉजिटिव देर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर एन कैपिटल एन सच दैट डी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एम एक्स आर दैट इज द सुमिशन फ्रॉम जे इक्वल टू वन टू एन एक्साई जे एम माइनस एक्साई जे आर वर्ल्ड स्केयर देन

एक्जाई जे एम माइनस एक्जाई जे आर होल स्केयर इज लेस देन एफ्सलॉन स्केयर के जे इक्वल टू वन के लिए जे इक्वल टू टू के लिए हर जे के लिए ये इसके स्केयर से लेस होएगी क्योंकि समिशन हमारे पास जब लेस देन एफ्सलॉन होता है ठीक है सबसे पहले हम अगर इसकी पावर इसका स्केयर ले ऑन बहुत साइड देन इट्स अगेन फॉलो दैटन ऑफ एक्साई जे एम माइनस एक्साई जे आर होल्ड स्केयर इज लेस दैन एफ्सलॉन् स्केयर एंड जब समिशन हम कहते हैं एफ्सलॉन् स्केयर से लेस है तो हम सन को हटा भी दें तो हर एक टर्म जो है वो एप्सलान स्केयर से लेस है बिकॉज दी ऑल आर पॉजिटिव एंड जो है समिशन अगर किसी एलिमेंट से छोटा हो तो इंडिविजअल हर टर्म जो होती है वो आपके पास जो है वो इस एप्सलॉन् स्केयर से छोटी होगी एंड हिन्स वी कैन से दैट के एक्साई जे एम माइनस एक्जाई जे आर मॉड इज लेस देन एप्सलॉन यहां पर अगर हम एक बात कंक्लूड करें तो हर एग्जाई जे आपके पास क्या है एक रियल नंबर है और एग्जाई एम जो है एग्जाई जे एक रियल नंबर का सीक्वेंस है हमारे पास एग्जाई जे एग्जाई एम नो दिस शोज दैट फॉर समिक्स जे हम कोई भी फिक्स जे ले रहे हैं जो कि आपके पास हर एलिमेंट आर एन का है हम कोई भी फिक्स कर लें जे जो वन से लेकर एन से लेस देन इक्वल है द सीक्वेंस एक्साई जे वन एक्साई जे टू अप टू सो ऑन इज अ कॉशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, ये हमारे पास ना हर एक टर्म इसकी जो है वो एक कॉशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है कॉशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स और चूंकि हमें पता है कि आपके पास रियल स्पेस जो है आर वो कंप्लीट होती है आर के अंदर हर कॉशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करता है तो इसका मतलब ये है कि इट ऑलवेज कन्वर्ज एंड वी कैन से दैट जे एम किसी जे को कन्वर्ज करता है एज एम टू यानी कि हर जे के लिए जे वन के लिए भी कन्वर्ज करता है जे टू के लिए जे थ्री के लिए तो हर एम तक के लिए जो है हमें एक रियल नंबर आर एन में मिल जाता है कि आपका हर एग्जाइज जे एम जो है वो उस आर जे के एलिमेंट को कन्वर्ज करे यानी कि इसकी एग्जाम्पल हम अगर आर स्केयर में देखें आर स्केयर के अंदर आपके पास एक सीक्वेंस है यानी कि एक्स एन वाई एन टाइप तो एक्स एक्स एन जो है है वो X को कन्वर्ज कर रहा वाई एन वाई को कन्वर्ज कर रहा है तो इट्स मीन दैट द एक्स एन वाई एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है एक्स वाई को दोनों आर स्केयर के एलिमेंट है यानी कि इंडिविजुअल आर का एलिमेंट आर को कन्वर्ज कर रहा है अगेन आर का एलिमेंट वाई एन का सीक्वेंस जो है वो आर कई एलिमेंट वाई को कन्वर्ट कर रहा है तो वी कैन से दैट व्हाट अबाउट इट्स टपल अगर हम टपल बना लें एक्स एंड वाई एन तो वो भी एक सीक्वेंस है जो कि कन्वर्ट कर रहा है एक्स वाई को आर स्केयर के अंदर तो इसी तरह हम ये एक्सटेंशन आर एन तक कर सकते हैं कि कोई भी हम एक्स एम सीक्वेंस लें तो वो पहला इसकी जो पहली टर्म है वो दूसरे एन टपल की पहली टर्म को कन्वर्ट करेगी आर एन के अंदर जो सीक्वेंस है कि सेकंड टर्म वो सेकंड एलिमेंट को कन्वर्ट करेगी थर्ड थर्ड को इस तरह एक्साई एम जो है वो एक्साई एम के एलिमेंट को एन टपल के एलिमेंट को कन्वर्ट करेगी ऑर्डरवाइज तो यहां से हम देख सकते हैं कि यूजिंग दीज एन लिमिट्स वी डिफाइन एक्स हम एक एक्स डिफाइन कर सकते हैं हैविंग एक्साई वन एक्साई टू अप टू एक्साई एम के हमारे पास जो इसकी जे वाइज टर्म है यानी कि एक्ट एक्साई करता है एक्साई टू एम जो है और एक्साई एम जो है एन एम एक्साई एन पावर एम जो है वो एक्साई एम को कन्वर्ट करता, करता, करता है तो इसका मतलब और हमारे पास क्लियरली ये जो एलिमेंट है एक्साई वन एक्साई टू अपू एक्साई एन ये आर एन का एलिमेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो सीक्वेंस हमने लिया एक्स एम ये सीक्वेंस हमारे पास एक आर एन के एलिमेंट को कन्वर्ज कर रहा है क्योंकि इसकी हर टर्म जो है ना वो रियल नंबर की आ, के एलिमेंट को कन्वर्ज कर रही है एक्साई वन को एक्साई टू को अप टू एक्साई एन को कन्वर्ज कर रही है तो वी कैन से दैट कि अगर हम लिमिट आर टेंड्स टू इंफिनिटी ले लें तो वी ऑप्टेन दैट के डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एम x uh, so आपको एक पॉइंट के अंदर के के हमारा जो x है, इस पॉइंट को कन्वर्ट करता है और ये चूंकि हमारे पास सीक्वेंस आर्बिटेरी है आर एन के अंदर और ये आर एन के एक एलिमेंट को कन्वर्ज कर रहा है एंड इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये प्रूव हो गया कि इट्स द कम्पलीटनेस ऑफ आर एन

फॉर दिसबिटरी स्पेस जो है वो कम्पलीट है अब इसी तरह के हम स्टेप फॉलो करके शो कर सकते हैं कि हमारे पास स्पेस ऑफ यूनिटी सी एन इज ऑल्सो कम्प्लीट यानी कि आप सी एन के अंदर कोई कौशी सिक्वेंस ले लें आर्बिटरी कौशी सिक्वेंस जो कि कौशी सिक्वेंस की कंडीशन को फुलफिल करे तो जो कि सी एन कम्पलीट है हमारे पास सी जो है स्पेस

एम आपका जो है उस सीक्वेंस को कन्वर्ट कर रहा है तो वी कंक्लूड दैट दैटर स्पेस सी एन इज कम्प्लीट तो ये हमारे पास कंप्लीटनेस की एक अच्छी टेक्निक है जिसको हम फॉलो करके मुख्तलिपेसिस की कम्प्लीटनेस को स्टडी कर सकते हैं डिस्कस कर सकते हैं कंप्लीटनेस hmm. की प्रॉपर्टी इट्स सेल्फ इट्स अ वेरी वर्थफुल प्रॉपर्टी आपके पास बहुत सारी स्पेसेस जो हैं कंप्लीट होती हैं तो उनमें बहुत ज्यादा क्रिस्टेसिक्स पाई जाती हैं जो कन्वर्जेंस होती है नॉर्मली तौर पर ये आपके पास उस सोल्यूशन पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करती है जो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है यानी कि आपके पास मल्टीपल टाइप एट्रैक्टिव प्रोसेस हैं जो अपने सोल्यूशन की तरफ कन्वर्ज करते हैं लेकिन अगर इसमें देखते हैं कि क्या वो स्पेस कंप्लीट complete है कंप्लीटनेस का मतलब है कि सॉल्यूशन उस सेट के अंदर ही मौजूद है कि नहीं अगर स्पेस कंप्लीट ना हो तो इसका मतलब है कि वो जो आप सीक्वेंस ले रहे हैं उसके अंदर वो उसके अंदर कन्वर्ज ही नहीं करता जब उसके अंदर कन्वर्ज ही नहीं करता तो हाउ वी कैन से दैट इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन इसका स्पेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता सो इट्स मीन दैट देर इज नो सोल्यूशन अबाउट सच प्रॉब्लम तो इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है जिनको हम एट दी एंड भी स्टडी करेंगे लेकिन यहां पर हम देखते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्प्लीटनेस के किसी भी स्पेस का कम्पलीट होना कितना ज़रूरी है कि आप कोई भी ऑर्बिटरी का सीक्वेंस आप लें तो वो उस स्पेस के अंदर ही कन्वर्ट करना चाहिए हेयर द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अबाउट द कम्पलीटनेस ऑफ एल इन्फिनी द स्पेस ऑफ बाउंडेड सीक्वेंसेज अब आपके पास ये स्पेस ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस है ये भी ऑलवेज कंप्लीट होती है क्यों कि अगर आप इसके अंदर कोई ऑर्बिटरी कॉशी सीक्वेंस ले लें सपोज दैट वी हैव ए सीक्वेंस एक्स एम बी एनी कौशी सीक्वेंस इन दिस स्पेस एल इन्फिनिटी वेयर इसके अंदर जो सीक्वेंस होते हैं वो किस तरह की फॉर्म में होते हैं एक्साई वन एम एक्साई टू एम अपू दो ऑन यानी कि हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस की एक कलेक्शन है सिंस द मीट्रिक ऑन एल इन्फिनिटी इज गिवन बाय हम मीट्रिक देख चुके हैं कि हम मुख्तलिफ जो स्पेसिस हैं उन पर कौन कौन सी मीट्रिक डिफाइन करते हैं तो एल इन्फिनिटी पे चूंकि बाउंडेड सीक्वेंस है तो हमारे पास बाउंडेड सिक्वेंस का जो है वो लिम्स एग्जिस्ट करता है तो हम यहाँ पे इस पे जो हमारे पास मिट्रिक है वो डी एफ एक्स वाई इज द सुप्रीम ऑफ जे ऑफ है. तो सकते हैं कि हमारी जो एल इन्फिटरी मीट्रिक है, ये है. आप कोई यहां पे हमने चूज कर लिया एक्स एम जो कि हम कहते हैं कौशी है अब जो कि कौशी सिक्वेंस है और यहाँ पे हमारे पास इसकी हर टर्म जो है ना वो जे और ईटा जे टाइप है यानी कि एक्स जे और वाई ईटा जे टाइप ले लें तो एक्स एम आपके पास जो है वो कॉशी सीक्वेंस गिवन है तो इसका मतलब है इट फुलफिल द डेफिनेशन ऑफ ए कॉशीनेस दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देर एग्जिस्ट इन दैट फॉर ऑल एम एन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन कैपिटल एन वी हैव द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एम एंड एक्स एन इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सलॉन इट्स मीन कि सुप्रीम ऑफ जे एप्सलूट ऑफ एक्साइज एम माइनस एक्साई जे एन इज स्ट्रिकली लेस एप्सलॉन अब हम यहां पर जब सुप्रीम लेसलॉन है तो हम कह सकते हैं हर जे के लिए तो फॉर एवरी फिक्स जे अगर हम कोई भी फिक्स जे लेटेरी नंबर है अब हर एक के लिए वी कैन कंक्लूड दैट के आपके पास एक्साई जे एम माइनस एक्साइ जे एन एप्सलूट दैट इज ऑल्सो स्ट्रिकली लेस देन एप्सलॉन होगा For all m n is greater than the number n. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है hints for every fixed j the sequence x i j one x i j two up to so on is a Cauchy sequence of numbers. अब यहाँ पे हमारे पास चूंकि number की collection है, हर element आपके पास एक real number है, तो हम देखते हैं यहाँ पे x i j जो है वो एक Cauchy sequence की collection है और कौशी सीक्वेंस किसका नंबर्स का तो चूंकि आर कंप्लीट है तो आपका हर रियल नंबर का जो सीक्वेंस होता है वो एक रियल नंबर को कन्वर्ज करता है बाय द कंप्लीटनेस ऑफ आर सो वी कैन कंक्लूड के दैटाइट जे एम जो है वो एग्जाइट जे को कन्वर्ट करेगा एस एम इंफिनिटी ये फॉर एवरी फिक्स जे के लिए है तो हर फिक्स जे के लिए आपको मिल जाए कलेक्शन तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एवरी

इस सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस की हर टर्म है वो इसके हर टर्म को कन्वर्ज करती है और अब आपके पास ये भी हर एक बाउंडेड नंबर है आपके पास एक्स के हर एलिमेंट बाउंडेड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये जो है एक्स ये एल इन्फिनिटी को बिलोंग करता है जिसमें एक्स एम आपका सीक्वेंस जो है वो इस एक्स को कन्वर्ज कर रहा है यानी कि तमाम बाउंडेड सीक्वेंस की कलेक्शन के लिए आपकी हर टर्म का एलिमेंट एक बाउंडेड नंबर को कन्वर्ज करता है तो वो बाउंडेड नंबर की जो कलेक्शन है वो भी एक सीक्वेंस आपके पास बन जाती है जो कि एल इन्फिनिटी को बिलोंग करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने वो जो ऑर्बिटेरी कॉशिज सीक्वेंस एक्स एम लिया वो आपके पास एक्स को कन्वर्ज करता है सो वेन एवर the limit n tends to infinity, we conclude that the absolute of xi j m minus xi j is less than or equal to the epsilon, for all m is greater than capital N. Since, x n, x m jo hai, wo xi j of m hai, or wo L infinity ka element hai, yene ye sequence is a collection of the, it is a, this sequence is a collection of bounded sequences. रियल नंबर के एम सच दैट एग्जाइज जे एम इज लेस इक्वल टू द के एम के हर एलिमेंट के लिए आपके पास एक बाउंडेड एलिमेंट मौजूद है हर एलिमेंट के लिए आपके पास एक के एम मौजूद है उसका हर एलिमेंट का आप सामने वो आपके पास के एम से लेस होगा फॉर ऑल जे के लिए यानी कि जे वन जे टू अप टू सो ऑन तो हर एलिमेंट के लिए आपके पास बाउंडेड सीक्वेंस की कलेक्शन आ जाती है तो वी कैन बाय के के मॉड लेस लेस इक्वल इक्वल टू टू द द माइनस प्लस प्लस यानी यहां पर हमने इनक्वालिटी में क्या चीज एड की एम ऑन राइट हैंड साइड तो आपके पास चूंके जे माइनस एग्जाई जे एम का डिस्टेंस जो है वो लेस देन क्या है एप्सिलॉन बाय स्टार तो इससे हमारे पास क्या बन जाता है कि एग्जाई जे मॉड हम लेते हैं वो लेस देन आ जाता है आपके पास एप्सलॉन प्लस के एम वेयर के एम आपके पास सर्वेटेरी एलिमेंट है तो मतलब ये हुआ कि आपके पास एक्स जिसका हर एलिमेंट एक्साई वन एक्साई टू अपू सो वन है तो वो हर एग्जाई जे आपके पास वो बाउंडेड होगा कि यानी कि हमें एक एप्सलॉन प्लस के एम टाइप एलिमेंट मिल जाता है जो एग्जाई जे से बड़ा है तो आपके पास ये कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस के एलिमेंट को कन्वर्ज करती है तो इससे ये साबित हो जाता है कि ये जो लिमिट पॉइंट आपको मिलता है ये भी एल इन्फिनिटी का है तो हिंस द इनक्वलिटी होल्ड फॉर एवरी जे हर जे के लिए होल्ड करती है जे वन के लिए आप लें तो वो तब भी आपके पास प्लस के एम है हर एक के लिए मौजूद है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास वो सारे एलिमेंट जो है वो बाउंडेड हैं तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस राइट हैंड साइड डज नॉट इन्वॉल्व जे क्योंकि आपके पास वहां पे जे है नहीं, हर, के लिए आपको एक फिक्स एलिमेंट मिल जाता है तो बाउंडेड सीक्वेंस यहाँ से आपके पास ऑप्टेन हो जाते हैं है वो आपके पास एल इन्फिनिटी को बिलोंग करता है पिछली स्लाइड में हमने यानी कंक्लूड किया था कि आपके पास जो वी आर टू शो दैट जो है वो एल इन्फिनिटी को कैसे बिलोंग करता है हमने यहाँ पे देखा कि इसके x जो है उसका हर एलिमेंट जो है वो बाउंडेड बाय एप्सिलॉन प्लस के एम है तो इससे वी कंक्लूड दैट के इट्स अ कलेक्शन ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस सीक्वेंस का बाउंडेड होता है जब उसकी हर टर्म जो है वो बाउंडेड होती है तो आपके पास जो x है उसका भी हर एलिमेंट चूंकि बाउंडेड है तो वो एल इन्फिनिटी का हिस्सा बन जाता है तो वी कंक्लूड दैट के आपके पास एग्जाइज इज बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दिस एम्प्लाईज दैट के एक्स that is the collection of xi j belongs to L infinity. Also from the two star, we have d of x m x which is the supremum of j absolute of xi j m minus xi j is less than or equal to epsilon whenever m is greater than the capital n. J How is this? In the equation equation, make hai ke for all j, एप्सलूट ऑफ एक्साइ जे एम माइनस एक्साइज टू एप्सलॉन अब हर जे के लिए है तो अगर आप इसका सुप ले लें तो सुप्रीमम इज ऑल्सो लेस देन एप्सलॉन तो और सुप्रीम हैिव डेफिनेशन ऑफ ए मिट्रिक इक्वल होता है डी ऑफ एक्स एम एक्स के इक्वल

ऑफ एक्साइजे माइनस एक्साइजे एक्साइजे आर इसी तरह से हम कंप्लीटनेस देखते हैं कंप्लीटनेस ऑफ सी दलैक्शन ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस ऑफ कंप्लेक्स नंबर हो या सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हो अब विच इज विच द मिट्रिक इंड्यूस फ्रॉम द एल इन्फिनिटी स्पेस इन्फिनिटी स्पेस में क्या होते हैं दी कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस अगर सीक्वेंस बाउंडेड हो तो उसका लेम सुबह एक्जिस्ट करता है तो हमने अभी मीट्रिक देखी क्या इन्फिनिटी में हमारे पास जो मीट्रिक है वो कौन सी है डी एक्स इक्वल टू द सुप्रीम ऑफ जे एप्साई जे एम माइनस एक्साई जे आर वेर एक्साई जे एम जो है वो भी आपके पास एक बाउंडेड सीक्वेंस है और एक्साई जे आर भी तो आपके पास ये स्पेस जो है वो भी कंप्लीट है यानी कि बाउंडेड सीक्वेंस ले लें दैट इज अ स्पेशल केस इट्स आल्सो के ये आपके पास स्पेस जो है वो कंप्लीट होती है कि इसके अंदर हर काशी सीक्वेंस आपके पास कन्वर्ज करता है किस तरह से क्योंकि C इज अ सब स्पेस ऑफ एल इन्फिनिटी और एल इन्फिनिटी क्या है कंप्लीट स्पेस है चूंकि अभी हम प्रूव कर चुके हैं कि एल इन्फिनिटी हमारे पास द स्पेस ऑफ एल इंफिनिटी इज अ कंप्लीट स्पेस तो अगर किसी भी स्पेस की सब स्पेस को कंप्लीट प्रूव करना हो तो हम कैसे प्रूफ करते हैं पिछले लेसन में हमने एक चीज देखी थी एक थ्योरम देखा था दैट स्टेट के दब स्पेस ऑफ ए मिट्रिक स्पेस व्हिच इज कंप्लीट किसी भी कंप्लीट स्पेस की सब स्पेस कब कंप्लीट होती है इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड कि वो स्पेस आपके पास क्लोज्ड हो तो हम यहाँ पे चूंकि एल इन्फिनिटी आपके पास कंप्लीट है सी उसकी कोई सब स्पेस है तो सी को कंप्लीट होने के लिए एक ही कंडीशन अगर हम शो कर दें कि C अगर क्लोज है तो सी आपके पास जो है वो कंप्लीट हो जाएगी बिकॉज वी हैव रिजल्ट के अगेन आई रिपीट यू के सब स्पेस ऑफ ए कंप्लीट मिट्रिक स्पेस इज कंप्लीट सब स्पेस कंप्लीट कब होती है किसी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की इफ एंड के वो सब स्पेस आपके पास क्लोज हो तो नीड टू शो दैट दिस स्पेस इज क्लोज तो क्लोज शो करने के लिए हमारे पास एक अच्छा वे ये है जो हमने पिछले लेसन में भी देखा कि आपके पास कोई स्पेस क्लोज कब होती है कि उसके अंदर हर मौजूद सीक्वेंस जो है वो उसके अंदर ही कन्वर्च करे अगर हम ये शो कर दें कि अगर हम कोई ऑर्बिटरी सीक्वेंस ऑर्बिटरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इस स्पेस के अंदर लेते हैं और वह इसी स्पेस के अंदर कन्वर्च करता है इट्स मीन दैट कि हमारी ये स्पेस जो है वो क्लोज है और जो के क्लोज होगी इसकी जो ऊपर सुपर स्पेस है वो भी अगर कंप्लीट है तो वी कंक्लूड दैट के आवर दिस ऑल्सो कंप्लीट इसके लिए हम कंटिन्यू करते हैं आगे के सपोज दैट के आपके पास वी जस्ट नीड टू शो दैट के आपके पास सी जो है वो क्लोज है इन एल इंफिनिटी और हम कंक्लूड कर लेंगे हमारी जो स्पेस है वो कंप्लीट है अब हम कोई अर्बिटरी एलिमेंट ले लेते हैं एक्स विच इज एक्साइज जे बिलोंग्स टू दीकअर चूंकि हमारे पास हर सीक्वेंस हम सी एन में लें तो आपके पास उसकी कन्वर्जेंस सी आपके पास सी में लें तो सी कुलयर के अंदर उसकी कन्वर्जेंस हमें जरूर मिलती है क्योंकि वो आपके पास क्लोज सेट होता है क्लोज सेट जो होता है वो अपनी हर लिमिट को अपने अंदर अटेन करता है तो हम कंसिडर करते हैं फॉर एनी एक्स जो कि आपके पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है एग्जाइजे जो किसको बिलोंग करती है सीकोलेयर को क्योंकि सी कुलयर आपके पास एक क्लोज सेट है तो डेफिनेटली ये सीक्वेंस जो है हम ऐसा सीक्वेंस पे ले सकते हैं जो कि इसके अंदर कन्वर्ज करे दिक्वल ऑफ सी सी बार मीन सी कलेयर देर आर एक्स एन आपके पास एक सीक्वेंस जरूर ऐसा होगा कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो सी को बिलोंग करता है क्योंकि सी इज स्पेस ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंस है आपके पास सच के आपको एक सीक्वेंस एक्स एन जरूर मिलेगा जो इस पॉइंट एक्स को कन्वर्ट करेगा यानी कि दूसरे वर्ड में हर एक्स के लिए एक एक्स एन एग्जिस्ट करता है सीक्वेंस सी के अंदर जो कि इस एक्स को कन्वर्ट करता है अब सी बार क्लोज सेट होता है और हमें पता है कि हर सीक्वेंस क्लोज सेट में तो जरूर कन्वर्ट करता है अब ये शो करना है यहां पे कि क्या वो सी बार और सी आपस में इक्वलियंट हैं अगर सी इक्वल टू सी बार हो जाए तो हमें पता है वो सेट क्लोज होता है हिंस फॉर एनी एप्सलॉन पॉजिटिव देर इज एन एन नेचुरल नंबर एन सच दैट फॉर एन इज ग्रेटर देन एन फॉर ऑल एंड फॉर ऑल जे वी हैव द एपलूट ऑफ एक्साई जे एम माइनस जे इज लेस देन एंडक्वल टू डी एक्स एन एक्स इज लेस एफ बाई थ्री ये क्वेश्चन हमारे पास कैसे आई अब देखें हमारे पास ये सीक्वेंस जो है हमने लिया एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस लिया जो कि एक्स पॉइंट को कन्वर्ज करता है जो सी के को में है तो अंडर द सुप्रीम मेट्रिक हमारे पास यहां पर ये इनक्वालिटी जो है अगर हम देखें कि हाउ अगर सुप्रीम जो है वो लेस देन एप्सलॉन हो तो वो सुप्रीम हमें कोई ऐसा मिल जाता है कि वो एप्सलॉन बाई थ्री से भी लेस है सुप्रीम तो जब सुप्रीम लेस देन होगा तो हम सुप्रीम हटाएंगे तो दैट इज ऑब्वियसली लेस देन दिस एपलॉन बाई थ्री और चूंकि सुप्रीम लें तब वो मिट्रिक डी ऑफ एक्स एन की इक्वल होता है तो हेयर वी है एवरी जे फॉर ऑल जे के लिए क्या होगा कि इसकी जो एप्सलूट वैल्यू है दैट इज लेस देन डी एफ एक्स एंड एक्स क्योंकि डी एक्स एंड एक्स जो है वो इस जो लेफ्ट लेफ्ट आपके पास जो है, इसके सुप के है तो अगर तो डेफिनेटली लेस टू हो जाएगी डी एफ एक्स n एक्स के और एक्स एन आपके पास एक सीक्वेंस है जो x को कन्वर्ज करता है लिहाजा दैट इज लेस देन एफ्सलॉन बाई 3 इन पर्टिकुलर फॉर n इक्वल टू कैपिटल एन एंड फॉर ऑल जे के लिए और सिंस आपके पास एक्स एन जो है वो भी सी के अंदर मौजूद है सीक्वेंस सीक्वेंस है इट्स टर्म्स अगर आप इसकी टर्म्स देखें तो वो किस तरह की होंगी एग्जाइट जे टॉप कैपिटल एन टाइप होंगी ठीक है जो भी एक जो भी जो अगेन आपके पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा सिंस अंस इज कौशी ये वाला सीक्वेंस भी आपके पास कौशी है तो इसके लिए भी आपके पास आ, जो है क्योंकि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है वो कौशी होता है हम लास्ट रिजल्ट में भी ये देख चुके हैं लास्ट क्लास में, तो आपके पास देर एग्जिस्ट इन ने माइनस एक्साई के एन इज लेस देन एफ बाय थ्री ये हमारे पास है अब अगर हम

यहां पर अगर हम गौर करें तो हमने दो दफा ट्राइंगटी जो है वो मॉड में एड की है कौन सी एक हमने यहाँ पे दो एलिमेंट एड की है एग्जाई जे एन एक दफा भी एड किया है यहाँ पर और दूसरी दफा यहाँ पे हमने एक्साई के एन को एड किया और विच इज लेस देन एप्सलॉन ये लेस एप्सलॉन क्यों होगा क्योंकि आप देखें हर टर्म एप्सलॉन बाई थ्री से लेस है तो एप्सलॉन दैट इज इक्वल टू दैट इज लेस दैन

ये एक इज अ कन्वर्जेंट हाउ इज कन्वर्जेंट के एक्साई जे और एग्जाई के का डिस्टेंस जो है वो लेस देन एप्सलॉन है हिंस जो आपका एक्स एलिमेंट है वो सी को बिलोंग कर जाएगा और अब सिंस वी आर बिटरी टेक दैट के आपका जो सीक्वेंस है एक्स एन वो तो कन्वर्ज करता था ऐसे एक्स को जो सी के को को बिलोंग करता था अब वो पॉइंट x जो है वो c को बिलोंग करता है तो दिस इंप्लाइज दैट कि c दैटर इज कंटेड इन द c बट ऑलवेज वी नो दैट दैट कि कि c is contained in c And hence we conclude that c equal to the c इज इन एंड हिंस वी कंक्लूड इक्वल टू द दैटेड अगर कोई भी सेट अपने क्लेयर के इक्वल होता है तो वो सेट हमारे पास क्लोज हो जाता है दिस प्रूव द क्लोजनेस ऑफ c इन in l इन्फिनिटी यानी कि जो c है स्पेस वो सब स्पेस है एल इन्फिनिटी की और वो क्लोज है तो इस वजह से आपके पास सी अगर क्लोज है तो वह कंप्लीट होगी क्योंकि कोई भी क्लोज सब स्पेस किसी सुपर स्पेस में होती है जो कि कंप्लीट है तो वो सब स्पेस भी कंप्लीट हो जाती है एंड कंप्लीटनेस ऑफ सी फॉलोज अगेन वी डिस्कस अबाउट द कंप्लीटनेस ऑफ एल पी स्पेस स्पेस ऑफ ऑल पी सामेबल सीक्वेंस अगर हम ले लें आपके पास ये भी कंप्लीट होती है हेयर आपके पास कोई भी पी आप ले लें दैट इज आइदर वन टू थ्री बट लेस देन दैन पी समेबल स्पेस हम एक्स एन कोई भी अर्बिटरी काशी सीक्वेंस अगर हम पिक करते हैं एल पी स्पेस में वेयर एक्स एम जो है इज इन दर्म्स ऑफ एक्साई वन एम एक्साई टू एम अप टू सो ऑन जिसमें हमें पता है कि एक्साई वन एम मॉड प्लस एक्साई टू एम मॉड प्लस अपन इन सब को अगर हम सम करते हैं तो दैट इज लेस एप्सलॉन यानी कि यह पी सेमेबल है हमारे पास तो देवरी एप्सलॉन देर इज ए ने फॉर ऑल एन एम डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एम एंड एक्स एन इज लेस देन एप्सलॉन यानि की अगर स्पेस कौशिक है तो वो कौशिक की ये डेफिनेशन तो लाजमी फुलफिल करेंगी और एल पी स्पेस में हमारे पास जो मीट्रिक हम ऑलरेडी डिफाइंड कर चुके हैं कि आपके पास कौन सी मीट्रिक होती है कि इज़ द डी ऑफ एक्स एम एक्स एन इज टू वन टू इंफिनिटी एक्साई जे एम माइनस एक्साई जे एन पावर पी देन विथन होल पावर वन अवर पी ये हमारे पास मीट्रिक है इसमें और चूंकि अगर हमारा एक्स एन जो है वो काशी सिक्वेंस है तो वी से दैट के दिस एक्स एम और एक्स एन इज लेस दैन एपलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन टू द एन एम ग्रेटर देन कैपिटल एन नाउ से हम ये चीज फॉलो कर सकते हैं कि अगर इफ वी आर टेकिंग इट्स पावर पी ऑन बोथ साइड अगर हम पावर पी ले, ले लें इसे क्वेश्चन नंबर थ्री पे दोनों तरफ हम यहां पर सपोज दैट के वी जस्ट इलिमिनेट डी एक्स एम और एक्स एन को हटा दें बाकी पर अगर हम जो राइट हैंड साइड पे दो आपके पास हैं लेस से जो ये भी है और एफ्सलॉन भी है अगर हम पावर पी ले लें तो वी के फ्रॉम केन टू तो इनफिनिटी आपके पास एप्सल्यूट वैल्यू ऑफ एक्साई जे एम माइनस एक्साई जे एन होल पावर पी इज लेस देन एप्सलॉन पावर पी हो जाएगा और अगर हम अगेन समिशन इस यहां से रिमूव कर दें तो तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा एक्साई जे एम माइनस एग्जाई जे एन पावर पी इज लेस देन एप्सलॉन क्योंकि सम लेस देन एफ्सलॉन हो एप्सलॉन पावर पी होगा तो अगर हम सम हटा भी दें तो हर टर्म जो है वो हमारे पास लेस देन क्या होगी एप्सलॉन पावर पी होगी और यहां पर अगेन अगर हम ले लें जस्ट टेकिंग द स्केयर रूट ऑफ पी यानी कि होल पावर वन ओवर पी अगेन ले लें तो एप्सलॉन की पावर जो पी है वो रिमूव हो जाएगी और हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर फोर जो है यहाँ से आराम से ड्राइव हो जाती है कि दैट इज एब्सलूट ऑफ एक्साई जे एम माइनस एक्साई जे एन इज लेस देन एप्सलॉन फॉर ऑल एन एम स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एन यानी कि यह बड़े आराम से हम यहां से ऑप्टेन कर सकते हैं जिसमें आपके पास एग्जाई जे एम जो है एग्जाइट जे जो हमें ये बताती है कि एग्जाई जे एम और एग्जाइज जे एन जो है वो कौशी सीक्वेंस है अगर आप इसको गौर करें तो इट्स डेफिनेशन और आपके पास ये भी क्या है दीज आर द रियल नंबर्स वी चूज हर फिक्स जे के लिए यहां पर हम देख सकते हैं कि वी कैन सी दैट दैटाई जे वन एग्जाई टू जे अपू एक्साई जे टू एक्साई जे, जे थ्री अब टू तो सो ऑन इज अ अशी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स अगेन रियल नंबर्स की हमारे पास एक कलेक्शन आ जाती है और हमें पता है कि आपके पास आर भी कंप्लीट है सी भी कंप्लीटनेस कंप्लीट complete है तो अगर हम इस कंप्लीटनेस की डेफिनेशन को अप्लाई कर लें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास हर फिक्स जे के लिए एक्साइज जे एम जो है वो कन्वर्ज करेगा जे को एज एम टेंस टू इन्फिनिटी यूजिंग दीज लिमिट्स वी डिफाइन के आपके पास एक्साई जे के हर एक के लिए एग्जाई जे एम के लिए एग्जाई जे मौजूद है यानी के एग्जाई वन एम जो है वो एग्जाई वन को कन्वर्ट करेगा एग्जाई टू एम जो है वो एग्जाई टू एम को कन्वर्ट करेगा अप टू सो ऑन तो वी कैन कंक्लूड दैट हमारे पास एक कलेक्शन मिल जाती है हमें एक्स जो कि क्या है एग्जाई एक वन एक्साई टू अप टू सो ऑन के आपके पास जिसमें एक्साई जे की हर टर्म जो है वो इसको करती है तो ये आपका x जो है वो भी एक रियल नंबर्स की पी समय एक्शन हमारे पास आ जाएगी जिसको आपका सीक्वेंस जो है वो x कन्वर्ज करता है एक्स एम तो हमारा ये पॉइंट x जो है वो x p को कन्वर्ज करता है कैसे को कन्वर्ज करता है ये अभी देखेंगे यहां पर ये भी देखते हैं और ये देखते हैं कि कैसे x m जो है वो इस x को कन्वर्ज करता है सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास वो जो इक्वेशन हमारे पास थ्री है प्रीवियस दिस ए क्वेश्चन थ्री यहां से हम देख सकते हैं कि वी हैव समेशन जे इक्वल टू वन टू के एक्साई जे एम माइनस एक्साई जे एन पावर पी इज लेस देन एफ पावर पी फॉर के इक्वल टू वन इक्वल टू टू सो हर सो ऑन हर के लिए ये क्वेश्चन होल्ड करती है अगर हम लिमिट एंड स्टैंड टू इन्फिनिटी यहां पर ले लें वी ऑप्टेन दैट के हमारे पास क्या ऑप्टेन हो जाएगा यहां से रिजल्ट कि एग्जाई जे एम मॉड माइनस जे पावर पी कस्मिशन फ्रॉम के इक्वल टू टू के इज लेस देन एफ पावर पी और ये किसके लिए है हर के के लिए गेन होल्ड करेगा के इक्वल टू वन के इक्वल टू टू सो ऑन तो इससे ये कंक्लूड होता है कि हमारे पास हर एग्जाई जे एम जो है वो एग्जाई जे को कन्वर्ज करता है तो यहां से वी कैन सी दैट के दैटाई एम माइनस एग्जाई जे एग्जाई जे एम माइनस एक्साई जे लें तो वो डिफरेंस जो है चूंकि यहां से आपके पास एक्स एम माइनस एक्स इक्वल है और वो एल पी को बिलोंग करता है कि इट्स द कलेक्शन ऑफ पी समेबल सीक्वेंस यानी कि इट्स अ पी समेबल सीक्वेंस के हर एक आपके पास एप्सिलॉन इसका सम जो है ना एप्सिलॉन पावर पी से लेस है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक्स एम जो है वो इस एक्स को कन्वर्ट करता है जो कि एल पी स्पेस में मौजूद है अब एक्स एम जो हमने लिया था सीक्वेंस वो एल पी स्पेस में है इट फॉलोज बाय द मिनक्वेस्किन इनक्वेलिटी मिनक्स की इक्वालिटी जो है वो सम के लिए होती है नो हम यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि x दैट इज इक्वल टू द x m प्लस x माइनस x m और आपके पास एल पी स्पेस में समेबल सीक्वेंस मौजूद है पी समेबल तो दो समेबल सीक्वेंस का सम भी जो है वो उसी स्पेस में मौजूद होता है क्योंकि हमारे पास ये स्पेस है स्पेस के अंदर ये खूबी होती है वहां कि वहां के आप कोई भी दो एलिमेंट लें दोबारा उसी को बिलोंग करते हैं तो आपके पास यहाँ पर पहला सीक्वेंस हमारे पास क्या है एक्स एम दूसरा सीक्वेंस एक्स माइनस एक्स एम ले लिया वो भी एल पी को बिलोंग करता है तो अगर हम इन दोनों को सम करें तो वो एल पी को बिलोंग करेगा लेकिन इसका सम जो है वो एक्स इक्वल है यहां से हम ये कंक्लूड कर लेते हैं कि हमारा जो x पॉइंट है वो स्पेस एल को बिलोंग करता है फर्दर मोर द सीरीज इन फाइव यानी कि हमारे पास ये जो फाइव नंबर uh, पे जो सीरीज है यानी कि इसको हम फाइव नंबर का ही नाम दे देते हैं रिप्रेजेंट दैट के आपके पास जो एक्स एम और एक्स का जो पी समेबल है इंप्लाइज दैट के एक्स एम कन्वर्जेस टू एक्स के आपका ये जो सिक्वेंस है ये इस एक्स पॉइंट को कन्वर्ट करता है और हमारे पास ये सीक्वेंस एक्स एम जो है वो एर्बेरी सीक्वेंस है एल पी स्पेस के अंदर दिस प्रूफ द कन्वर्जेंस ऑफ एल पी के आपके पास जो स्पेस एल पी है वो कन्वर्ज करती है अपनी ही सेट के अंदर एंड वी कंक्लूड दैट कि आपके पास जो स्पेस एल पी है वो कंप्लीट है क्योंकि आप हर कोशिश अर्बिटरी सीक्वेंस लें वो इसी स्पेस के अंदर कन्वर्ज करता है वेयर यू कैन टेक एनी पी इक्वल टू वन टू थ्री हर एक के लिए ये जो है आपके पास स्पेस uh, जो है वो कंप्लीट है नाउ कंप्लीटनेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज सेट ए बी कलेक्शन ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन जो कि ए बी क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है ये स्पेस भी कंप्लीट है आप जिसमें ए बी कोई भी इंटरवल ले लेते हैं क्लोज इंटरवल आर के अंदर हमारे पास क्या है फंक्शंस की कुलेक्शन है अब हम एक फंक्शंस का सीक्वेंस लेते हैं एक्स एन बी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन सीक्वेंस है इन स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी क्लोज इंटरवल तो जब ये सिक्वेंस कॉशी है आपके पास कोई भी कौशी सिक्वेंस तो कौशी सिक्वेंस की डेफिनेशन इट ऑलवेज फुलफिल दैट इज

t belongs to the closed interval ए बी विद एप्सलूट वैल्यू ऑफ एक्स एम टी माइनस एक्स एन टी यहां पर इसकी एब्सलूट वैल्यू चूंकि यहाँ पे आपके पास हर x जो है वो एक सीक्वेंस है जिसमें t जो है वो आपके पास रियल नंबर है डिफाइंड फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी तो आपके पास कलेक्शन ऑफ ऑल इट्स अ स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन तो हम हर कंटिन्यूस फंक्शन का जो सम एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ दैट इज लेस देन एफ हमारे पास इट्स अ क्योंकि हर कंटिन्यूस फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूस फंक्शन की कलेक्शन एक बाउंडेड सेट बनाती है और बाउंडेड सेट का जो है वो मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है हमारे पास मैक्स हम ले सकते हैं यहाँ पे हम जे सेट जो है वो क्लोज सेट ए एबी से डिनोट कर रहे हैं हिंस फॉर एवरी फिक्स टी जिसको हम टी नॉट कह देते हैं जो क्लोज सेट जे में है यानी कि जे विच इज ए बी क्लोज इंटरवल वी हैव एक्स एम टी नॉट माइनस एक्स एन टी नॉट एब्सोलूट इज लेस देन एप्सलॉन फॉर ऑल एम एन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन कैपिटल एन हम यहां से ये अरे बड़े आराम से कंक्लूड कर सकते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर सिक्स हमें बताती है कि आपके पास हर टी के लिए ये मैक्स लेस एफ सलॉन है तो मैक्स अगर हर लेस मैक्स जो है वो हर जे की वैल्यू के लिए लेस देन एफ्सलॉन हो तो इसका मतलब ये है कि जे की हर फिक्स वैल्यू के लिए भी ये लेस देन एफ्सलॉन होगा और मैक्स आप हटा भी दें तो दैट इज अगेन लेस देन एफ्सलॉन नाउ दिस शोज दैट के आपके पास एक्स वन टी नॉट एक्स टू टी नॉट इज अशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर क्योंकि हर एक का इमेज आप देखें एक्स वन टी नॉट एक फंक्शन है एक्स टी टू नॉट एक फंक्शन है

इन्फिनिटी इन दिस वे वी एसोसिएट विच टी बिलोंग टू दी नॉट के लिए देखा जो टी नॉट जो है एलिमेंट है तो हर टी जो क्लोज इंटरवल ए बी यानी कि जे का एलिमेंट है उसके लिए हमारे पास एक एक्स एम टी हमें मिल जाएगा जो एक्स टी को कन्वर्ज करेगा हम हर एक यूनिक रियल नंबर ओप्टेन कर सकते हैं एक्स टी इसके लिए दिस डिफाइंड डिफाइन पॉइंट वाइज अ फंक्शन एक्स ऑन जे कि आपको एक पॉइंट वाइज हर पॉइंट के लिए हर टी नॉट के लिए टी वन टी टू जितने भी आर के एलिमेंट हैं हर एक के लिए हमें एक सीक्वेंस मिल जाता है जो कि आर को कन्वर्ट करता है एंड वी कंक्लूड दैट के आपका जो है एलिमेंट है वो इस पॉइंट को कन्वर्ट करता है वी शो दैट के एक्स जो है वो कैसे सी ए बी कलेक्शन ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज सेट ए बी पर कन्वर्ज करते हैं और एक्स एम जो है वो इस एक्स को कन्वर्ज करता है फ्रॉम दिस इक्वेशन सिक्स ये हमारे पास जो इक्वेशन सिक्स है जिसमें हमने मिट्रिक डिफाइन की है कि हमारा सीक्वेंस एक्स एन जो है वो कौशी है हम यहां से देख सकते हैं कि वेन एवर एन टेंटी सुप्रीम आप ले लें ले या मैक्सिमम ले लें टी बिलोंग टू द जे दूट ऑफ एक्स एम टी माइनस एक्स टी इज लेस के अगर हम सिर्फ एम पे एन पेम्स इनफिनिटी ले लें ले, तो हमारे पास ये मैक्स लेस एफसेल होता है, m n. कि mm के लिए है तो अगर हम एक एम को इन्फिनिटी ले लें ले, तब भी ये मैक्स जो है वो लेस देन ये होगा और मैक्स को अगर हम यहाँ से रिमूव भी कर दें तो हमारे पास क्या होगा फॉर एवरी टी बिलोंग टू दी माइनस एक्स टी इज लेस टू दैन एवर एम इज ग्रेटर कैपिटल एन तो यहां से हम कंक्लूड कर लेते हैं कि एक्स एम टी जो है वो एक्स टी को कन्वर्ट करता है जिसमें आपके पास हर अर्बिटरी है, है तो इसका मतलब ये ये हुआ कि आपके पास जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ट करता है एक्स टी को यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली का मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट के लिए एक एक के लिए एक को कन्वर्ट करता है यूनिफॉर्मली को हम थोड़ा सा आगे भी डिस्क्राइब करेंगे इस स्लाइड के बाद लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं कि हर एक इंडिविजुअली जो है एक्स एम टी जो है वो एक्स टी को कन्वर्ज कर रहा है ऑन क्लोज इंटरवल क्लोज सेट जे के अंदर सिंस एक्स एम एस इज अ कंटिन्यूस ऑन टी क्योंकि ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन है डिफाइंड ऑन क्लोज सेट जे एंड कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म द लिमिट फंक्शन x x भी आपके पास लिमिट फंक्शन है चूंकि ये कलेक्शन आपके पास तमाम कंटिन्यूस फंक्शन की है यहां पे एक्स टी भी आपके पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है जो डिफाइंड ऑन क्लोज सेट टी क्लोज सेट जे पे है तो हमारे पास इसकी लिमिट जो है वो हमें मिलती है वो भी एक फंक्शन है यानी कि कलेक्शन ऑफ ए एक फंक्शन को फ करती है एज वी नो फ्रॉम द कैलकुलस क्योंकि आपके पास आर का हर एलिमेंट आर को आर एन का आर का आप कोई भी सीक्वेंस लें वो आर के एलिमेंट को कन्वर्ट करता है तो यहाँ पे हर एक का इमेज जो कि एक रियल नंबर आता है वो रियल नंबर को कन्वर्ट करता है तो आपके पास जो कलेक्शन ऑफ uh, जो सीक्वेंस है वो एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो एक सीक्वेंस को कन्वर्ट कर रही है और वो सीक्वेंस जो है वो भी हमारे पास क्या है कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जो डिफाइंड है क्लोज सेट ए बी के ऊपर तो इसका से ये कंक्लूड होता है कि इसकी जो लिमिट है एक्स वो बिलोंग करती है सी ऑफ ए बी क्लोज सेट को ऑल्सो एक्स एम बिलोंग्स टू द एक्स एंड दिस शोज दैट द स्पेस C डिफाइंड ऑन क्लोज सेट ए बी विच इज कन्वर्जेंस द स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस, तो ये आपके पास जो स्पेस होगी वो कंप्लीट होगी क्योंकि आपने ऑर्बिटेरी कौशी सिक्वेंस एक्सएम जो लिया है इसमें वो इसके अंदर ही कन्वर्ट करता है इस तरह हमने यहां पे देखा कि आपके पास जो कलेक्शन ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन है वो आपके पास क्या है इट्स अंप्लीट स्पेस हमें यहाँ पे एक बात अगर हम देखें कि स्पेस ऑफ ऑल जो आपके पास है कलेक्शन ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन वो कम्पलीट है इसकी सब स्पेसिस बहुत सारी हैं मिसाल के तौर तो पर पोलिनमियल फंक्शन अगर हम ले लें तो एवरी पोलिनियल फंक्शन इज कंटिन्यूस तो पी एन आप जो ले लें पी एन डिफाइंड ऑन क्लोज सेट ए बी तो वो इसकी सब स्पेस है हम पी एन को भी कंप्लीट शो कर सकते हैं उसमें पीएन जो है इसकी सब स्पेस है तो उसको कंप्लीट कैसे शो करेंगे हम उसकी जो सब स्पेस है उसको कंप्लीट शो करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू शो दैट कि दैटन का जो पी एन जो स्पेस है वो इक्वल है पी एन के क्लियर के यानी कि हमें सिर्फ उसको क्लोज शो करना ही काफी है क्योंकि हमें पता है किसी भी स्पेस के अंदर कोई सेट आपके पास ना कंप्लीट मीटरिक स्पेस की जो सब स्पेस है वो तब ही कम्प्लीट होती है अगर वो क्लोज हो तो सिर्फ क्लोज शो कर दें को तो आपके पास जो इस तरह हम प्रूव कर सकते हैं कि जो पी है वो कंप्लीट है सी स्पेस ए बी के अंदर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का हमने जिक्र किया तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के हवाले से हमारे पास कन्वर्जेंस थ्योरम है कि कन्वर्जेंस एक्स एन हमारे पास एक्स एम एक सीक्वेंस है जो एक्स को कन्वर्ज करता है इन स्पेस सी ए बी के अंदर इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस दैट इज के एक्स एम जो है कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली ऑन ए बी क्लोज इंटरवल टू एक्स के हर टर्म यूनिफॉर्मली एक्स आप एम जो है वो देखें हर टी के लिए टी वन टी टू टी थ्री हर टी जो आप क्लोज सेट एबी में से ले रहे हैं हर एक के लिए यूनिफॉर्मली पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है हर एक एक्स टी के पॉइंट के लिए हर टी के पॉइंट के लिए आप जो भी टी एस में सर्वेटेरी लेते हैं मीट्रिक ऑन सी ए बी डिस्क्राइब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑन क्लोज सेट ए बी एंड दिस रीजन इज समाइम कॉल्ड द यूनिफॉर्म मीट्रिक हम इसे यूनिफॉर्म मीट्रिक भी कहते हैं क्योंकि यूनिफॉर्मली ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है यहां पे आपके पास हर टी जो के बिलोंग करता है ए बी क्लोज सेट उसके लिए अब हम देखते हैं इनकम्प्लीट मीट्रिक स्पेसेस के बारे में कि कौन कौन सी आपके पास स्पेसेस इनकम्प्लीट हैं। अब अगर आपके पास इनकम्प्लीट स्पेस में अगर आप बहुत आसान सी एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो आई शेल शेयर विद यू द सेट जीरो वन अब आपके पास यहां पर वन अवर एन एक कौशी सीक्वेंस है वन आवर एन कौशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ट करता है जीरो को और जीरो तो मौजूद ही नहीं है ओपन सेट जीरो से लेकर वन तक तो ये स्पेस आपके पास कंप्लीट नहीं है तो जब हम किसी स्पेस को शो कर दें कि वो इनकम्प्लीट होती है तो कम अज कम हमें अगर एक कौश सीक्वेंस ऐसी मिल जाए कि जो उसके अंदर कन्वर्ज नहीं करती तो वो स्पेस कंप्लीट नहीं होगी यानी कि वी जस्ट कंस्ट्रक्ट अ सिंगल काउंटर एग्जाम्पल तो इससे सिले में हमारे पास बहुत सारी और भी एग्जाम्पल हैं वी कैन कंस्ट्रक्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी स्पेस क्यू uh, के मुतालिक कहते हैं द स्पेस ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स सेट ऑफ ऑल रैशनलिट ये आपके पास स्पेस कम्प्लीट नहीं है उसकी वजह यह है आपके पास कि अगर हम कोई भी कौशी सीक्वेंस ले लें रैशनल नंबर का सीक्वेंस ले लें तो हम देखते हैं कि आपका जो कौशी रैशनल नंबर जो की सीक्वेंस है वो जरूरी नहीं है कि रैशनल नंबर को ही कन्वर्ज करे आप रैशनल नंबर की सीक्वेंस लें तो आर में आपके पास कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर होता है और अगर आपको आर को अगर प्रिसाइजली देखें जिस तरह कि आप कैलकुलस में देख चुके हैं कि हर रैशनल नंबर के साथ एक इरेशनल नंबर होता है रैशनल इरेशनल देन तो आपका ये जो सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर है ये नॉर्मली तौर पर इरेशनल नंबर को भी कन्वर्ट कर जाता है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपकी जो स्पेस Q है ये कंप्लीट नहीं है हम इससे पहले Q को देख चुके हैं Q आपके पास डेंस है डेंस का मतलब ये है अब Q का कुलर लें तो वो R के इक्वल आता है यानी कि कोई भी स्पेस कब डेंस होती है हम प्रीवियस लेक्चर्स में डेंसनेस को देख चुके हैं और हम इससे देखेंगे कि हम किसी भी सेट को कैसे कंप्लीट बना सकते हैं हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे अभी हम सिर्फ यहीं तक फोकस करते हैं कि आपकी जो क्यू है इस कंप्लीट

अब वी कैन कंक्लूड दैट के आवर दिस सीक्वेंस इज द इनकम्प्लीट दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंड इन अगेंस्ट के आपका जो क्यू सेट है वो कंप्लीट नहीं है पोलिनियल लेट एक्स इज द सेट ऑफ ऑल पोलिनियल पोलिनमियल आपके पास कलेक्शन होती है uh, तमाम फंक्शन होते हैं पोलिनमियल जो कि कंटिन्यूस होते हैं डिफ्रेंशियबल होते हैं ऑफ समी डिफाइंड ऑन समीफाइंड ऑन सम क्लोज सेट टी या जे आप ले लें क्लोज सेट ए बी उसके ऊपर आप पोलियल की जो कलेक्शन लेते हैं वो आपके पास अंडर द मीट्रिक डी ऑफ एक्स वाई एक्स वाई डिफाइंड एज के मैक्सिमम ऑफ टी बिलोंग्स टू द जे एप्स लूट ऑफ एक्स टी माइनस वाई टी ये स्पेस आपके पास इस मिट्रिक के तहत कंप्लीट नहीं है क्योंकि आप इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कौशी सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि आपके पास सीक्वेंस तो कौशी होगा लेकिन वो उस स्पेस के अंदर कन्वर्ज नहीं करेगा यानी कि इसका जो आउटपुट आएगा वो एक पुलनामी इक्वेशन नहीं होगी आपके पास तो इस तरह हम बहुत सारी एग्जांपल्स भी इसमें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और आल्सो वी शैल सी लेटर दैट के हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट सच काइंड ऑफ एग्जांपल कि आपके पास जो इस तरह मीट्रिक या बाकी मीट्रिक के तहत जो स्पेस है वो कंप्लीट नहीं है आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पे आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस आपको नहीं मिल सकती कि आपके पास हर जे क्लोज सेट के लिए आपके पास जो सीक्वेंस है वो एक एक्स पॉइंट को कन्वर्ज करे जो इस स्पेस के अंदर ही शामिल हो तो इसका से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके पास जो स्पेस जो पोलियामियल की जो कलेक्शन है पॉलीनोमियल यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलीनोमियल्स डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल जे दैट इज द क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इज नॉट कंप्लीट कंटिन्यूस फंक्शंस में आपके पास जिस तरह के हमने देखा कि आपके पास इससे पहले हम देख चुके हैं कि कंटिन्यूस फंक्शंस की जो स्पेस है वो कंप्लीट होती है अंडर द मीट्रिक डी एक्स वाई इज द मैक्स मिट्रिक हम मैक्सिमम लेते हैं मैक्सिमम ऑफ जे जे विच इज द दूट ऑफ एक्स जे माइनस वाई जे तो उसके तहत वो आपके पास स्पेस कंप्लीट है लेकिन आपके पास ये कंटिन्यूस फंक्शन की जो स्पेस है डिफाइंड ऑन क्लोज सेट ए बी ये अंडर द इंटीग्रल अगर हम देखें डिफाइंड एज द इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू वन एब्सलूट ऑफ एक्स टी माइनस वाई टी डी टी इसके तहत ये स्पेस कंप्लीट नहीं है आपके पास यानी कि अब ये मीट्रिक पे डिपेंड करता है कि आपकी किस मीट्रिक के तहत तो कुछ स्पेस कंप्लीट है, है कुछ मीट्रिक के तहत जो स्पेसेस होती हैं वो कंप्लीट होती हैं कुछ मीट्रिक्स के तहत कंप्लीट नहीं होती यानी कि हर मीट्रिक एक इलाजा से डिस्टेंस प्रॉपर्टीज जो है उसको प्रिजर्व करती है और हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से आपके पास अंडर द डिफरेंट डिस्टेंसेस जो मेट्रिक होती हैं वो कम्प्लीट होती हैं या नहीं होती तो मेट्रिक आपके पास ना चूंकि एक डिस्टेंस प्रॉपर्टी प्रिजर्व करती है हैं का था हम ना मेट्रिक में यानी कि डिस्टेंस लेते हैं हॉरिजेंटल प्लस वर्टिकल यानी कि आर स्केयर में आपके पास ये भी एक वे है मेट्रिक डिफाइन करने का जो हम आर रेडी पड़ चुके हैं इस तरह आपके पास डायरेक्ट हम लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट टू दिन अदर तो बहुत सी मेट्रिक के तहत स्पेस uh, कंप्लीट हो सकती हैं कुछ के तहत कम्प्लीट नहीं होती तो अगर हम यहां पर एग्जाम्पल देखें कि हम अपना वो जो जे इंटरवल क्लोज इंटरवल है ए बी अगर हम ए को वन लें बी को ए uh, को जीरो लें बी को वन लें तो जे इक्वल टू द जीरो सेट एंड वी डिफाइन या मेट्रिक दैट इज डी एफ एक्स वाई इज द इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू वन एप्सूट ऑफ एक्स टी माइनस वाई टी डी टी तो ये आपके पास जो है वो कंप्लीट स्पेस नहीं होगी यहाँ पे एक्स टी आपके पास क्या है कंटिन्यूस फंक्शंस की कलेक्शन है वाई टी इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन ये कैसे आपके पास कंटिन्यूस नहीं है वी शेल कंस्ट्रक्ट कंक्रीट काउंटर एग्जाम्पल हम एक काउंटर एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये स्पेस कंप्लीट कैसे नहीं है हम क्या करते हैं एक कॉशी सीक्वेंस सबसे पहले तो इसके अंदर चूज करते हैं एस डिफाइंड इन द फर्स्ट फिगर लाइक आपके पास एक्सएम एक सीक्वेंस है एक्स एम आपके पास सीक्वेंस इस तरह से डिफाइंड है कि टी हमारे पास जीरो से वन आवर टू के दरमियान है ओवरऑल तो हमारे पास जो क्लोज सेट है वो जीरो से लेकर वन तक है तो टी की आधी टर्म्स यानी कि जीरो से लेकर वन आवर टू क्लोज सेट के लिए एक्सएम की टर्म्स जो है वो जीरो ले, ले लेते हैं एक्स एम टू टू जीरो आउटपुट है और दूसरे के लिए यानी यानी जब T आपका बिलोंग करता है A, M से 1 तक, A, M क्या है से तक क्या प्लस वन आवर एम कर लेते हैं तो उसके लिए इसका आउटपुट वन है यानी कि आधे पे जीरो आधे पे वन इस तरह हम एक कंटिन्यूस फंक्शन की एक कलेक्शन ले लेते हैं एक्स टी जो है वो एक आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन है डिफाइंड ऑन द डिफाइंड ऑन अंत क्लोज सेट 01 इसके ऊपर हम डिफाइन कर लेते हैं तो ये आपका सीक्वेंस कौशी होगा यानी कि कैसे कौशी सीक्वेंस होगा हम इसको पहले प्रूफ करते हैं कि फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव वी नीड टू शो दैट के डी ऑफ एक्स एम एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स व्हेनेवर एम एन आर ग्रेटर देन 1 आवर एप्सिलॉन इसके लिए तो लेट अस शो दैट दिस इज अ कौशी बट इट ड नॉट कन्वर्जेंट इट दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्योंकि आपके पास ये अगर हम सीक्वेंस देखें एक्स एम टी जो आधी टर्म्स के लिए इसका आंसर जीरो है और बाकी टर्म्स के लिए आधे इंटरवल के लिए इसकी वैल्यू वन है ये सीक्वेंस जो है ना कन्वर्ज नहीं करता यहां पर अगर हम फर्स्ट डायग्राम में देखें सीक्वेंस की डिफाइननेस कैसे है आपके पास कि टी जो है वो आपके पास जीरो से लेकर वन ओवर टू तक इसका इमेज जो है वो जीरो के इक्वल है यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल सीक्वेंसेस दैट जिनका आउटपुट जो है वो जीरो जीरो के इक्वल है और इसके बाद इसका आंसर जो है वो वन के इक्वल है ऑन द रेस्ट ऑफ और फिगर नंबर टू में हम देख सकते हैं कि आपके पास द हाउ वी कंस्ट्रक्ट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एम एंड एक्स एन अंडर दिस इंटीग्रेशन तो आपके पास ये जो इंटीग्रेशन है बीइंग ऑबेन फ्रॉम द कैलकुलस ये आपके पास ना एक एरिया प्रिजर्व करती है कौन सा एरिया एरिया हैविंग इन दिस दैट इज़ फ्रॉम वन टू द ये आपके पास एक्स एम और एक्स के दरमियान जो आपके पास एरिया प्रिजर्व है ये एरिया जो है वो ऑप्टेन होता है बाय दिस मिट्रिक हम जब इस मिट्रिक से ये एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हम एक बाउंडेड एरिया ऑप्टेन कर लेते हैं इस मिट्रिक के तहत अब आपके पास एम जो है चूंकि वन आवर टू प्लस वन आवर एम के इक्वल है और हेन्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स हम यहां पर देखें कि अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एम और एक्स के दरमियान तो हमारे पास क्या आएगा चूंकि ये मिट्रिक जो है इंटीग्रल वाइज डिफाइंड है तो हम यहाँ पे इट इज इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू वन यानी कि एरिया फ्रॉम जीरो टू वन एप्सलूट ऑफ एक्स एम टी माइनस एक्स टी डी टी विच इज इक्वल टू हम इसको हम इंटीग्रल को पार्टीशन वाइज लिख सकते हैं इन टू दम ऑफ के इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू वन अवर टू प्लस इंटीग्रल फ्रॉम जीरो आपके पास यहां पे एक्स टी डी टी अगेन में जो दूसरा सम होगा वहां पे आएगा एप्सलूट ऑफ एक्स एम टी माइनस एक्स टी प्लस नेक्स्ट में जो एप्सलूट आएगा ऑफ यहां पर dt, यहां पे हम इसको ना इस इनिटी में लेस इक्वल टू भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे मॉट की प्रॉपर्टी भी साथ अप्लाई कर रहे हैं और हर एक डेफिनेशन तो सिंस द इंटीग्रेंट आर नॉन नेगेटिव सो इज द ईच इंटीग्रल ऑन राइट राइट एंड साइड पर हम इसको यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं क्योंकि सारे नॉन नेगेटिव हैं तो अब एब्सोल्यूट इसके इक्वल ही आएगा डेफिनेटली और हिंसा एक्स एम एक्स की कन्वर्जेंस को देखते हैं, क्या ये जीरो को कन्वर्ज करता है अगर ये को करता है, आपके पास कंटिन्यूस है वी have है आपके पास पहले इंटरवल में चूंकि एक्स टी जो है उसकी वैल्यू जीरो है अगर टी आप पिक करते हैं जीरो से वन आवर टू क्लोज सेट पर तो वन आवर टू ओपन सेट तक भी देखें तो इसकी वैल्यू जीरो ही है और एक्स टी की वैल्यू वन है इफ टी बिलोंग टू द दिन अवर टू से वन तक तो आप यहां पर देखें इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा दैट विल गिव द जीरो राइट पार्ट पे वन अवर टू से जो ही हम ग्रेटर वैल्यू लेते हैं इसकी एक्स टी की वैल्यू जो है वो आपके पास वन आ जाती है बट दिस इज इम्पॉसिबल फॉर ए कंटिन्यूस फंक्शन यानी कि आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन के लिए ये इंपॉसिबल आ जाता है कि कैसे आपका ये जो पोर्शन है इसकी इसकी लिमिट है है और हाउ यू कैन अटेन के ये आंसर आपका जो है वो पे अगर हम वैल्यू लें तो वो जीरो के इक्वल नहीं आती जब जीरो के इक्वल नहीं आती तो इसका मतलब क्या है कि आपका डी ऑफ एक्स एम एक्स जो है वो जीरो को कन्वर्ज नहीं करता वेन एवर एक्स एम टेंड टू इंफिनिटी तो इससे हम कंक्लूड कर लेते हैं कि एक्स एम सीक्वेंस जो है वो आपका कन्वर्जेंट नहीं है यानी कि एक्स कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता जिसको ये कन्वर्ज करे तो दिस शोज दैट प्रूव दैट एक्स इज नॉट कम्प्लीट कि आपके पास ये जो स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन है डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी अंडर द मेट्रिक ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू वन ये जो है डी टी uh, जो है ये स्पेस जो है वो कंप्लीट नहीं है इसी तरह से हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर कि कौन सी स्पेस आपके पास कंप्लीट है कौन सी स्पेस कंप्लीट नहीं है अब आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि कंप्लीटनेस हम कैसे शो करते हैं कोई भी कौशिक सिक्वेंस लें अगर वो उसी स्पेस के अंदर कन्वर्ज करे हर कौश सिक्वेंस स्पेस के अंदर कन्वर्ज करे या हर एर्बरी कौशि सिक्वेंस उसके अंदर कन्वर्ज करे स्पेस के अंदर ही जो स्पेस कंप्लीट होती है अगर हम कोई ऐसा कंक्रीट सीक्वेंस शो कर दें जो उसके अंदर कन्वर्ज नहीं करता यानी कि कोई काउंट एग्जांपल शो कर दें कि हम कोई काशी सीक्वेंस उठा रहे हैं स्पेस के अंदर जो उसके अंदर कन्वर्ज नहीं करता तो हम कह सकते हैं कि हमारी ये जो स्पेस है वो कंप्लीट नहीं है अब अगर हम ये देखें आपके पास लेट ए एंड बी आर द टू रियल नंबर वेयर ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन बी एंड अब देख सकते हैं कि आपके पास जो ओपन इंटरवल है ए बी एन इनकम्लीट सब स्पेस ऑफ आर अब ये इनकम्प्लीट सब स्पेस आर है ना एक सीक्वेंस ले लेते हैं इसके अंदर A over N. A over N अगर हम सीक्वेंस लेते हैं या हम कोई पर्टिकुलर केसोज इसका ऑप्टेन कर ले जीरो और जीरो वन ओपन इंटरवल के अंदर आपके चूंकि वो सब स्पेस है R की और अगर हम कौशी लेते हैं जीरो को कन्वर्ट करेगा और जीरो जो है उसके अंदर शामिल नहीं है और अगेन बाय द डेफिनेशन क्लोजनेस वी कैन शो दैट कि आपके पास अगर हम इसको डेंस कर दें यानी कि इसका क्लेयर लें तो ए भी क्लोज सेट आ जाता है ये आपके पास कंप्लीट हो जाएगा हम इसको इसी तरह से हर अगेन फॉर द सेकेंड एग्जाम्पल के लेट एक्स पी स्पेस ऑफ ऑल ऑर्डर एंड tuples ऑर्डर एंड tuples यानी कि हर एलिमेंट एक ऑर्डर के तहत है ऑर्डर सेट की यानी कि एक पार्शली ऑर्डर सेट आपके पास डिफाइंड है जिसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं यानी कि वो प्रॉपर्टी जो आर में होती हैं और का हर एलिमेंट ऑर्डर्ड होता है कि एक एलिमेंट दूसरे से या तो छोटा है बड़ा है या बराबर है इस तरह की प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट प्रिजर्व करते हैं अगर हम इस तरह के की एक ले लेते हैं एन टपल्स के एक्स इक्वल टू एक्सन एक्स टू एक्स थ्री दल रियल नंबर्स और मेट्रिक हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई क्या है द मैक्सिमम ऑफ जे

एन टपल में हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक रियल नंबर मिल जाता है कि हर रियल नंबर का सीक्वेंस एक रियल नंबर को कन्वर्ट करता है तो हर एन टपल्स की कलेक्शन जो है वो एन टपल्स को कन्वर्ट करेगी तो आपके पास ये स्पेस जो तो है वो कंप्लीट प्रूफ हो जाएगी हमारे पास जिस तरह की हमने अभी आर एन की एग्जाम्पल देखी और बाकी एग्जाम्पल देखी हैं आपके पास लेट एक्स बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स और मेट्रिक हम ले, ले लेते हैं डी ऑफ एक्स डी एफ एम एन इस तरह से कि पॉजिटिव इंटीजर्स का जो डिस्टेंस है वो वन आवर एम माइनस वन आवर एन ले लेते हैं तो हम इस स्पेस को शो कर सकते हैं कि ये स्पेस हमारे पास जो है वो इज नॉट कंप्लीट स्पेस ये स्पेस हमारे पास एक कंप्लीट स्पेस नहीं होगी अगर चाहिए स्पेस कौशी स्पेस आपके पास ना हम यहाँ पे कोई भी कौशी सिक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं अगर आपके पास एक्स एन एक्स एम दो कौशी सिक्वेंस हैं तो यहां पर अगर हम देखें तो इनके दरमियान पॉजिटिव इंटीजर्स के दरमियान वन आवर एम और वन आवर एन का जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा कौशी होता है तो आपके पास ये कौशी तो होगा लेकिन हमें अगर कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए यानी कि जीरो या वन या टू जिसको ये सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो हम देखते हैं कि इसका ये डिफरेंस जो है वो हमें डिस्टेंस लेस दैन इक्वल टू एप्सलॉन नहीं मिलेगा यानी कि एक एप्सलॉन ऐसा नहीं मिल सकता या दूसरे वर्ड्स में अगर हम लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी ले लें ले तो डी ऑफ एक्सएम एक्स एन इज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगी यानी कि जब नॉट इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब है कि एक्स एम जो सीक्वेंस है वो उस एक्स पॉइंट को कन्वर्ज ही नहीं करता तो हिंस दिस स्पेस इज नॉट कम्प्लीट तो इस तरह हम इस स्पेस की नॉट कंप्लीटनेस शो कर सकते हैं बहुत सारी काउंटर एग्जांपल भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इसके ऊपर जिस तरह के मैंने आपसे वन आवर एन टाइप जो है वो कही तो ये स्पेस भी आपके पास जो है वो इनकम्प्लीट स्पेस है तो हिंस अब हमने इस लेसन में आज देख लिया कि कौन सी स्पेसेस कंप्लीट होती हैं कौन सी स्पेसेस कंप्लीट नहीं होती नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि कब हम इन कंप्लीट स्पेस को कंप्लीट बना सकते हैं क्या कोई ऐसी हमारे पास मौजूद है डेंसिटी सेपरेबिलिटी गिव्स अस सम वे दैट वी कैन कंस्ट्रक्ट सम कंप्लीटनेस ऑफ दैट क्योंकि कंप्लीटनेस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहां पे कंप्लीटनेस आपको बताती है कि आपका सोल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का फंक्शनल इन्वॉल्विंग प्रॉब्लम है उसका उसी स्पेस के अंदर ही एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपकी स्पेस कंप्लीट हो यानी कि इसका आंसर उसके अंदर मौजूद हो उसकी क्या वैलिडिटी है क्या एग्जिस्टेंस है क्या सफिशेंट कंडीशन है तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे हम अपनी स्पेस को जो है ना कंप्लीट uh, कर सकते हैं तो यहां तक हम आज अपना टॉपिक स्टॉप करते हैं आई होप कि आप इससे रिलेटेड मल्टीपल टाइप्स एग्जाम्पल्स या इससे रिलेटेड जो है काउंटर एग्जाम्पल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ओके थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज